सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। खेल कूद का अपना समय होता है, अपना रंग भी, लेकिन आज के समय में मोबाइल ही सबका जीवन हो गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी खेल कूद के लिए प्रयास किया करते ही हैं। उत्तर प्रदेश के संडिला में रामलीला मैदान में ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें निबंध, रंगोली, बैडमिंटन, कबड्डी, नृत्य, सुलेख, एकांकी, लोकगीत, मशाल दौड़ आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में ककराली, लूमामऊ, सिकरोरी, जमसारा, नारायणपुर समेत अनेक गाँव के बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम आशीष कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सात्वना शुक्ला मौजूद थी। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही सक्षम होना देश के लिए जरूरी है। ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और हर तरह के विकास के लिए ये जरूरी है कि उनको खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराया जाए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ इनका भी उतना ही महत्व है। जो बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे रहते हैं, प्रायः देखा गया है कि उनमें समन्वय की भावना औरों की अपेक्षा बेहतर होती है। वे अच्छा सहयोग कर पाते हैं, वे अच्छा नेतृत्व कर पाते हैं, वे अच्छे राजनेता तैयार होते हैं। जिस क्षेत्र में जहाँ पर भी शारीरिक रूप से सक्षम और मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्तित्व की अपेक्षा की जाती है, वहाँ ये बच्चे औरों की अपेक्षा बेहतर कर पाते हैं। इसीलिए प्राथमिक स्कूलों में इस तरह की प्रतियोगिताएं हर वर्ष की जाती है। संडीला से कैमरामैन शशिकांत मौर्य के साथ लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाई आप तक।